ये जो कंप्रेसर है, ये डी फ्रिज के अंदर पाइप लीकेज होने से ये पानी खींच लिया था, तो डी फ्रिज जो हमारा आइस कैंडी वाला था उसमें पानी पाइप फट जाने की वजह से पानी खींच लिया। वो जो कंप्रेसर था वो इसी फ्रिज का था, जो पाइपिंग था इसका, जो कूलिंग कॉयल था उसका जो पाइप लीकेज हो गया था, उसके वजह से इसके कूलिंग कॉयल के पाइप में पानी आ जाने की वजह से कंप्रेसर इसका पानी खींच लिया था, जो कि हमको उस कंप्रेसर को उतारना पड़ा। और इसका ये जो कंडेंसर है इसको हम धूप में सुखाए 2-3 दिन, और इसको फ्लश भी करना है। और बाकी जो कंप्रेसर है उसको आइए हम दिखाते हैं। जो कंप्रेसर है यहाँ पे केसीएन 415, ठीक है, ये कॉपलैंड का कंप्रेसर है, कॉपलैंड और इमर्सन कॉपलैंड का कंप्रेसर है। इसमें जो है ये पानी घिस लिया था, तो और लेकिन ये कंप्रेसर सही है, इसको हमने चला के देखा, ये सही है, लेकिन इसमें जलने का संभावना ज्यादा था, इसलिए हमने इसको, इसका तेल को पलटी कर रखा था। और 2-3 दिन तक इसको धूप में सुखा के अब इसमें हम ऑयल चार्ज करने वाले हैं, और वो जो डी फ्रिज है उसमें हम फिट करके, इसमें ट्रायल करने वाले, गैस चार्जिंग करके, कि अगर ऐसा भी कभी आपको डी फ्रिज मिले जिसका कॉयल लीकेज होने की वजह से कंप्रेसर पानी ले ले, तो सबसे पहले यही तरीका अपनाएं कि कंप्रेसर को आप डिस्कनेक्ट करके उसको बाहर धूप में सुखाएं, उसका तेल निकाल करके, उसके बाद इसमें ऑयल नया चार्ज करें, उसके बाद इसको फिटिंग करें, आपका 100% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें ऑयल चार्ज करने वाले हैं। तो हम कंप्रेसर को चला के एक बार ट्रायल करेंगे, और चलाने से पहले इसमें हम तार निकाल के, पहले हम आपको बता सकते हैं इसका जो कनेक्शन होता है, इसका कनेक्शन पहले बाकायदा से लगा दें। कनेक्शन हम बताए थे इसके बारे में कि स्टार्टिंग और रनिंग इस रिले में कैसे लगता है, उसके बाद हम, आपका दिक्कत होगा इसके रिले में लगाने में, स्टार्टिंग लगाने में, रनिंग लगाने में, तो आप वीडियो में जाकर, चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसको पहले एक बार चालू करेंगे और आपको एम्पियर दिखाएंगे कि कंप्रेसर किस एम्पियर से चल रहा है, ठीक है। और इसका जो प्लग था वो थोड़ा पावर प्लग था, हमारे पास छोटा सर्किट था, इसलिए हम इसमें तार ज्वाइंट कर रखे हैं। इसको एक बार चालू करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 2.2 एम्पियर ले रहा है, बाकी हमारा जो वोल्टेज है इस समय 258 वोल्टेज है। और इसका जो डिस्चार्ज है, ये सेक्शन है, और इसका ये डिस्चार्ज है, यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे फेंक रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी फेंक रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी फेंक रहा है। इसको फ्लश कर देंगे, और ये अब इसमें हम ऑयल चार्ज कर सकते हैं। तो ऑयल चार्ज करने के लिए हमारे पास एक है 68 नंबर का पोलिस्टर ऑयल है, और ये 1 लीटर में है, तो इसको हम जो है इसमें 400 ml डालने वाले हैं, जो कि हम पहले से ही मग को काट लिए हैं। ये जो 200 ml के लगभग है, इससे हम दो 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 बार डालेंगे और हमारा 400 ml हो जाएगा। पहले तो हम इसको पूरा इसमें गिराते हैं इसमें, और इसमें जरा सा भी डस्ट नहीं होना चाहिए, ये एकदम सूखा होना चाहिए। इसको हम पलको जरा लेगा, इसको इसको हम गिराते हैं। ये हमारा 200 ml हो गया है, 200 ml हो गया। इसको पहले हम इसमें, अभी आपको हम एक चीज दिखाने वाले हैं, जो कि पहले हम पहले अपने पे देखते हैं कि इस लाइन से ऑयल लेता है कि इस लाइन से ऑयल लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम इस लाइन से घिंचाए तो डिस्चार्ज के माध्यम से तुरंत बाहर फेंक देता है, तो हमको उम्मीद है कि इस लाइन से अगर हम घिंचाएंगे तो हमारा घीच के अंदर ले लेगा, डिस्चार्ज से रास्ते से फेंकेगा नहीं। इस टाइप का ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन का जो प्रेशर सेंसर होता है उसमें ये पाइप आपको मिल जाएगा। ये पाइप को हम इसमें बोर देते हैं, इसके अंदर हम खोल देते हैं, और ये जो पिन वाल जहाँ लगता है हमारा, इसको हम टच करेंगे जरा सा तो ये घींच लेगा पूरा अंदर, और ये बहुत ही तेजी से घींच रहा है, तो थोड़ा रुक रुक के हमको इसको घिंचाना है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट इधर से ले रहा है, जस्ट इधर से फेंक रहा है। यही काम आपको नहीं करना, हम अपने थोड़ा सा दिखाने के लिए इस टाइप काम किए हैं, कि कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि हमको ऑन कंप्रेसर पे ऑयल चार्ज करना, तो सही बात है, ऑन कंप्रेसर पे ही आप ऑयल चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक माध्यम देखना पड़ेगा, जो सेक्शन आपका कंफर्म रहेगा उस पे आप कभी ऑयल चार्ज करेंगे तो आपका यही हाल होगा कि आपका तेल रद्द होगा, वेस्ट होगा। तो आप इस लाइन से नहीं कभी चार्ज करेंगे, आपको हमेशा जो गैस चार्जिंग लाइन बनाया जाता है इस कंप्रेसर में, वहीं से आप इसको चार्ज करेंगे। तो इधर से अगर हम करेंगे तो नहीं फेंकेगा, अभी देख सकते हैं हम इधर करके, उसके बाद अब जो है इसको मुनेंगे तो अब ये घींच रहा है, आप देख सकते हैं, आप घींचेगा अब जो किसी प्रकार का धुआं हुआ नहीं देगा, और ये आसानी से पूरा अंदर ले लेगा, और जरा सा भी ऑयल आपका वेस्ट नहीं जाएगा, पूरा ऑयल घींच लिया।
ठीक है, ये पूरा आयल पूरा घींच लिया, लेकिन ये जो पहले का था वही फेंक रहा है, और अगर हम इधर से करते तो पूरा का पूरा वो ऑयल हमारा वेस्ट जाता। तो अभी हम इसमें फिर से ऑयल डालने वाले हैं, हमारा 200 ml चला गया इसके अंदर, और 200 ml और हम डालने वाले हैं। और कई वीडियो में हम देखे कि जानकारी ना होने की वजह से कई वीडियो में हम देखे कि वहाँ पे आपको बताया जाता है, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि इधर से इधर सेक्शन है, तो इधर सेक्शन में आप डिस्पोजल इंजेक्शन लीजिए, इसमें डालिए, इसमें डालिए, लेकिन आपको सही तरीका नहीं बताया गया है कि आपको सही तरीका क्या ऑयल चार्ज करने का। अगर आपका कंप्रेसर सही एम्पियर ले रहा है तो आप जो है कंप्रेसर को स्टार्ट करके जो आपका डिस्चार्ज लाइन होता है उसके बगल में एक सेक्शन लाइन होता है, उसके बगल में एक कंफर्म सेक्शन होता है ये बड़े बड़े कंप्रेसर में, तो वहां से न चार्ज करके, क्योंकि वहां से जब घीचेगा तुरंत डायरेक्ट डिस्चार्ज के रास्ते फेंकेगा, तो एक जो गैस चार्जिंग वाल होता है उसके पास से आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम खाली पाइप को टचअप किए हैं कि एयर नाले, बाकी ये दूसरा पाइप अगर हम बंद कर देंगे तो ये घींचना चालू कर देगा ऑयल को। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही तेजी से घींच रहा है ये, इधर दिखाइए डिब्बा और उठाइए, हाँ एकदम बहुत ही तेजी से ये घींच रहा है। और ये हमारा 400 ml ऑयल जो है हमारा चार्ज हो चुका है कंप्रेसर के अंदर। अब हमको इस कंप्रेसर को उसमें फिट करना है, और ये पूरा ऑयल चार्ज हो चुका है, बस 400 ml ऑयल इसमें होता है, 400 से 450 ml के अंदर, ठीक है। अब इसमें हम ऑयल चार्ज कर दिए हैं और इसको हम लगाने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं डीप फ्रिज के अंदर, और उसका जो कंडेंसर है उसको कैसे फ्लश किया जाता है अभी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। आप उस फ्रिज का काम कर रहे हो जिस फ्रिज के कूलिंग कॉइल में पाइप फटने की वजह से वो पानी अंदर घींच लिया है कंप्रेसर के अंदर भी, तो जैसा कि हमने बताया अभी इसका ऑयल हमने चार्ज किया इस कंप्रेसर का, यहाँ पे हमने इसको साइड में रख दिया, और इसका जो कॉइल होता है फ्रिज का बॉडी के अंदर उसको हमने प्रॉपर तरीके से चेंज कर दिया, कॉइल बिछा दिया है और उसको हमने बॉडी के अंदर फिट भी कर दिया। अब बचा ये कंडेंसर, इस कंडेंसर के भी अंदर पानी होने का मात्रा है, क्योंकि हम तो कैपिलरी काटे थे तो वहां से भी पानी काफी ज्यादा निकला था, तो इसको भी हम पहले धूप में सुखा दिए थे, धूप में सुखा दिए थे। अगर आपको इसको फ्लश करना है, आपके पास नाइट्रोजन वगैरह का सुविधा नहीं है, तो आप पहले ऐसा कोई पावरदार कंप्रेसर ले लीजिए जो M88 से ऊपर हो, इस टाइप का कोई कंप्रेसर ले लीजिए, और उस कंप्रेसर में एक ऐसे सिंगल पाइप लगा के उसमें डिस्चार्ज के माउथ पे पिनवाल लगा देना चाहिए, ताकि वो जो पंप करता है तो हवा पाइप को कनेक्ट कर दिया जाए, और उसके बाद किसी एक माउथ में, यानी कि इसके माउथ में किसी भी एक माउथ में, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे भी पिनवाल कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे भी रिटर्न वाल कनेक्ट किए हैं, और इसको जो है एनआरबी वाल कनेक्ट किए हैं, तो इस पे यहाँ से एक सिंगल पाइप लगा दिए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगर हम कंप्रेसर को चालू करेंगे तो एयर फेंकेगा इसके रास्ते से होते हुए यहाँ से निकलेगा, तो अब हम यहाँ कंप्रेसर में रिले लगा के रखे हैं, अब इसको हम जो है यहाँ से ऑन करते हैं और ये चल पड़ा है, अब ये चल पड़ा है, और यहाँ तक यहाँ थोड़ा लीकेज है, इसको हम फिर से कनेक्ट करेंगे। हमने अभी जब कंप्रेसर चालू किया तो यहाँ से एयर बहाया, जब यहाँ से हम प्रेशर को दबा के रखे तो यहाँ थोड़ा लीकेज था, इसको हमने अभी टाका मार दिया, ब्रिजिंग कर दिया है। अब हम जो है इसको फिर से लगा के ट्रायल करते हैं, ये कंप्रेसर हमारा ऑन हुआ, अब यहाँ से देखते हैं एयर आ रहा है कि नहीं। हमने अभी देखा हमारा पाइप भी थोड़ा सा कहीं से लीकेज था, उसको हमने चेंज कर दिया, अब जो है ये हमारा प्रेशर यहाँ तक जा रहा है, इसके रास्ते से इसी से जाके आउट यहाँ से हो रहा है। अगर हम यहाँ से इसे दबोड़ के हाथ से फ्लश करेंगे तो इसका प्रेशर उतना नहीं बनेगा, और हम जो है हमको ऐसे फ्लश करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको एक अलग से मिनीफोल्ड गेज या सिंगल गेज लेना होगा, जिसमें एक प्रेशर गेज जरूर होना चाहिए। प्रेशर गेज होने के बाद जो गाड़ी वाला जो सीधे पाइप होता है उसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। इसमें कनेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे देखना है प्रेशर कितना चढ़ा रहा है, जब हाई प्रेशर चढ़ने के बाद हम इसका इंतजार करेंगे, जब तक कि हाई प्रेशर यानी कि 300 के करीब में ये जाए, और इतना प्रेशर हम अपने हाथ से जो है नहीं रोक पाएंगे, तो इसको हाई प्रेशर तक रोकने के लिए गेज का हम प्रयोग करेंगे। जब ये आउट पाइप में हम गेज लगाएंगे, और उधर थोड़ा सा दिखाइए,
जब हम यहाँ आउट पाइप में लगा दिए, ये प्रेशर चढ़ रहा हमारा, फ्लश करने का ये सही तरीका है जब आपके पास खासकर नाइट्रोजन ना हो, तो एक हैवी कंप्रेसर होना जरूरी है। तो कोई भी क्वायल हो, कितना भी बड़ा क्वायल हो, आप उसके मदद से इसी प्रकार से आप उसको फ्लश कर सकते हैं। ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो है अच्छे से फ्लश हो जाएगा। तो हमारा ये 300 के करीब में गया, ये 300 के करीब में गया। अब हम इसको यहाँ से जब खोलेंगे तो तेजी से एयर बाहर जाएगा, और जो भी इसके अंदर पानी वगैरह जो भी डस्ट होगा वो बाहर निकलेगा बहुत ही जल्दी। जैसे कि इसका दूसरा जो पाइप है हम अपने हाथ में ले लेते हैं और ये जो है यहाँ पे रखते हैं। अभी देखिएगा, ये जो है ये फ्लश करने का सही तरीका। फिर इसको बंद करेंगे, फिर ये प्रेशर चढ़ रहा है, इससे आपका जो क्वायल होगा वो अच्छे तरीके से, वो इसमें से जो एयर इतना तेजी से बाहर आएगा तो उसके अंदर जो भी नमी और जो भी डस्ट आयल वगैरह होंगे वो बाहर जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, वरना हाथ से आप फ्लश करते रह जाएंगे, हाथ से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, फिर ये 300 तक चढ़ा, ऐसे ऐसे हम 4-5 बारी करेंगे और ये इसके अंदर का जो भी डस्ट होगा, क्योंकि ये लंबा होता है, बहुत काफी लंबा मोल्ड टाइप का होता है, इसको प्रेशर से ही हम जो है प्रेशर से ही इस तरह से लगा के ही फ्लश कर सकते हैं, इससे ये बहुत ही आसानी से फ्लश हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे कि हमने एक ग्लाइकोल्ड वाली डी फ्रिज के पाइपिंग के बारे में, उसके डाटा के बारे में, उसके कंप्रेसर के बारे में कि अगर पानी घींच ले तो कंप्रेसर कैसे सही करें, उसको 3-4 दिन धूप में सुखाएं, और कंडेंसर को भी 3-4 दिन धूप में सुखाएं, उसके बाद कंप्रेसर का ऑयल चेंज करें, उसके बाद इसको भी फ्लश करें, और डिफ्रीजर का जो क्वाइल लीकेज है उसको आप नया पाइप से पाइपिंग करें। ये फिर 300 के करीब में चला गया है और इसको जो है हम फिर से खोलेंगे। अब इसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह होगा ऐसे ऐसे हम करते रहेंगे, फिलहाल वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और आपको करने का तरीका हम बता दिए हैं, और इसी माध्यम इसी तरीके से आप जो है कोई भी क्वाइल को फ्लश कर सकते हैं और कंप्रेसर को सर्विस भी कर सकते हैं। जैसे कि वो पानी सोख लिया हो, पानी अंदर घींच लिया हो, तब पानी घींच लिया हो कंप्रेसर, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है इस वीडियो में हम आपको बता दिए कम्प्लीटली। और आपका कोई भी कॉइल में डस्ट वगैरह और कॉइल चढ़ जाए या पानी घींच ले तो आपको उस सिचुएशन पे यही तरीका अपनाना है, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो हम लेके आएंगे। आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई भी बताने वाला नहीं है कि जिस तरीके से हम आपको बताते हैं। अगर यार हमारे तरफ से कोई जानकारी आपको मिली है तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना भूलो ना भूलना यार, कम से कम हमारे माध्यम से कुछ तो आपको ज्ञान मिला है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो हम आपके लिए लेते आएंगे, जो भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो हमारे चैनल पे मिलेगा, क्योंकि हम जब सीख रहे थे तो ऐसा बहुत सा ज्ञान था जो हम खोज रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा था, तो हम सोच के रखे हैं कि हम अपने चैनल पे कुछ ऐसा ही ज्ञान डालेंगे जो कि कोई बताता ना हो। ठीक है, धन्यवाद।